हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट और आज मैं आपको बताऊंगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स जिसकी कप्तानी कर रहे हैं केएल राहुल, उस टीम को बड़ा झटका कैसे लगने वाला है, इसके बारे में दोस्तों डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचे। एक और खास बात दोस्तों, स्पोर्ट्स विद रवीश के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन। रैफ 10 के नाम से मेरी ट्विटर आईडी और रवीश बिष्ट 1 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी, तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स इस सीजन काफी स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है। यह टीम पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है आईपीएल के बैटल में और इस बार आईपीएल में 10 टीमें हैं, तो उसमें से दो नई जो टीमें हैं, एक है लखनऊ सुपर जायंट्स और दूसरी है गुजरात टाइटंस। लखनऊ सुपर जायंट्स की जो कप्तानी है दोस्तों वो केएल राहुल को दी गई है और इस टीम के एक इंपॉर्टेंट मेंबर फास्ट बॉलर मार्क वुड के बारे में जो इंफॉर्मेशन आ रही है दोस्तों, वो लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और वो खबर ये है कि मार्क वुड जो है वो आईपीएल से अपना नाम वापस ले सकते हैं और ये बहुत बड़ा झटका होगा दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, क्योंकि ये टीम काफी स्ट्रांग नजर आ रही थी और अब अगर मार्क वुड आईपीएल नहीं खेलते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स से, तो ये इस टीम की दिक्कतों को बढ़ा सकता है और फौरन उनको रिप्लेसमेंट भी ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों पहले ये जान लेते हैं कि मार्क वुड जो है वो क्यों आईपीएल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड के दो खिलाड़ी पहले ही अपना नाम वापस ले चुके हैं बायोसिक्योर बबल के फैटिक की वजह से। एक है जैसन रॉय जो कि खेलते थे गुजरात टाइटंस ने, जिनको कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन जैसन रॉय ने मना कर दिया कि बायोसिक्योर बबल फैटिक की वजह से वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। उनकी जगह जो है उन्होंने रहमतुल्ला गुरबाज को अपनी टीम में शामिल कर लिया गुजरात टाइटंस की, जहां तक बात है। दूसरी टीम जो थी दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसमें एलेक्स हिल्स को शामिल किया गया था, लेकिन एलेक्स हिल्स ने भी बायोसिक्योर बबल का हवाला देकर अपना नाम वापस ले लिया और कोलकाता नाइट राइडर्स ने एरन फिंच को अपनी टीम में इंक्लूड कर लिया। अब दोस्तों बात करते हैं मार्क वुड की। मार्क वुड को बायोसिक्योर बबल का फैटिक नहीं है दोस्तों, बल्कि इंजरी की वजह से वो आईपीएल से हट सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर है जहां उनकी टेस्ट सीरीज चल रही है और इसी दौरान मार्क वुड के एल्बो में चोट लग गई है दोस्तों। बताया जा रहा है कि मार्क वुड के एल्बो में जो चोट लगी है वो राइट एल्बो बताई जा रही है और मार्क वुड को काफी पेन भी हो रहा है, जिसकी वजह से वो नेट में भी बॉलिंग डालने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। और दोस्तों अगर उनकी राइट एल्बो में चोट है तो इसका मतलब यह है कि वो काफी टाइम तक क्रिकेट से बाहर रह सकते हैं और जब तक प्रॉपर वो फिट नहीं हो जाते वो मैदान में वापसी नहीं कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा झटका होगा लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी अगर वो एक डेढ़ महीने तक बाहर हो जाते हैं इंजरी की वजह से, तो वो फिर आईपीएल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। कुछ दिनों पहले दोस्तों जब मेगा ऑक्शन हुआ था तो उसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने मार्क वुड को 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा था और मार्क वुड काफी एक्साइटेड भी थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर काफी सारी पोस्ट भी इससे रिलेटेड की थी। लेकिन अब इंजरी की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो आईपीएल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनकी इंजरी काफी गंभीर है, जिसकी वजह से ये कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि वो इतनी जल्दी कैसे इंजरी से रिकवर करेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनको काफी पेन भी हो रहा है हाथ में। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। अब देखते हैं कि इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर किसको लाया जा सकता है। कुछ नाम बताए जा रहे हैं जिसमें कि एंड्रू टॉई हो गए, बैंक डोरसिस हो गए, इसके अलावा केन रिचर्डसन हो गए, ये कुछ ऐसे गेंदबाज हैं जिनको इंक्लूड किया जा सकता है एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ मार्क वुड। और अगर भारत की तरफ भी बात की जाए तो ईशान शर्मा एक ऐसे गेंदबाज है जिनको लाया जा सकता है मार्क वुड की जगह। चलिए दोस्तों इंतजार करते हैं, आपको क्या लग रहा है मार्क वुड की जगह किसको लाना चाहिए, प्लीज कॉमेंट सेक्शन पर जाकर कॉमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर।